Hi humans, welcome to our channel BSC Forum. Today we are going to learn about tensor analysis of physics. ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर पे होगा. हो सकता है कि किसी में ये थर्ड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, तो आप पढ़ सकते हैं. इसमें मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ, सो प्लीज़ करने. आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक्स पर टुडे. तो क्रॉनिकल डेल्टा, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसके बाद नोटेशन, फिर उसके बाद आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन जानेंगे, फिर फ्री एंड डमी इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर रैंक पढ़ेंगे टेंसर का, और इनवेरियंस ऑफ टेंसर पढ़ेंगे, और क्रॉनिकल डेल्टा. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्रॉनिकल डेल्टा ये पढ़ेंगे, ये और ये, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, और रैंक भी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सभी इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस टाइम. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंसर, ब्रीफली एक्सप्लेन देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. अगर इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे होंगे स्टार्टिंग में ही, तो वीडियो मत देखना, वेस्ट ऑफ टाइम है फिर वीडियो, क्योंकि यही सारी चीज़ें ही मैं बताऊँगी. उसके बाद डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जनरल स्पेस ऑफ एन डी. उसके बाद एक्सप्लेन कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, 2, 3, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. अगर ये सब क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. और फिर भी अगर आप रिवीजन के लिए देखना चाह रहे हैं तो आप 2x पे देख सकते हैं. सो हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है. सबसे पहले दिमाग में ये होता होगा ना, टेंसर अब क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका एप्लीकेशन क्या है. हाँ, तो इसका एप्लीकेशन ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज़ होता है, और परमिटिविटी और फ्री स्पेस में यूज़ होता है. मतलब परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी के लिए ही इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि हमें स्केलर, वेक्टर, ये तो पढ़ाया ही जा रहा था, अब टेंसर क्यों पढ़ाया जा रहा है. तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि स्केलर वेक्टर क्या होता है. तो स्केलर वेक्टर, स्केलर क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है उसको स्केलर वेक्टर बोलते हैं. और वेक्टर, सॉरी, स्केलर बोलते हैं और वेक्टर किसको बोलते हैं, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो अब टेंसर किसे बोलते हैं, तो टेंसर हम बोलते हैं सर्टेन क्वांटिटीज विच आर एसोसिएटेड विद टू और मोर डायरेक्शन, जिसके पास दो या दो से अधिक डायरेक्शन है, टू और थ्री मोर डायरेक्शन, जिसमें मतलब दो या तीन से अधिक डायरेक्शन है, उसको बोलते हैं हम टेंसर. ठीक है, तो स्केलर में क्या होता है, स्केलर में हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर, एंड द क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर, बट सर्टेन क्वांटिटीज विच आर एसोसिएटेड विद टू और मोर देन टू डायरेक्शन, सच क्वांटिटी इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि रैंक बताते हैं इसको. स्केलर जो है वो ज़ीरो ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर टेंसर है. स्केलर कौन सा ऑर्डर टेंसर है, ज़ीरो ऑर्डर. लेक्चर देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर या इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगी ही क्यों, क्योंकि इसके पास नो डायरेक्शन है. सिंस इट हैज़ नो डायरेक्शन, इसलिए ये ज़ीरो ऑर्डर है, क्योंकि किसी डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं. जब डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा तो आई जे के ये सब यूज़ ही नहीं होगा. जब ये यूज़ ही नहीं होगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में एक मार्क्स का कि वाई स्केलर वेक्टर इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर टेंसर. तो स्केलर वेक्टर इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर टेंसर बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन. ठीक है, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि अ टेंसर ऑफ ऑर्डर ज़ीरो इज सिंपली अनदर नेम ऑफ स्केलर क्वांटिटी. अगर कोई टेंसर है उसका ऑर्डर ज़ीरो है तो उसको अनदर नेम हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी का. हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाले, हिस्टोरिकल वाले डेफिनेशन. टेंसर एनालिसिस इज दैट पार्ट ऑफ स्टडी विच इज़ रैदर सुटेबल फॉर द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल लॉज इन फॉर्म्स विच आर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू इट डिफरेंट फ्रेम्स. द टेंसर फॉर्मुलेशन वॉज ओरिजिनेटेड बाई जी रिकी, इंपॉर्टेंट है जी रिकी, एंड इट बिकेम पॉपुलर वेन अल्बर्ट आइंस्टाइन यूज इट एज नेचुरल टूल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. टेंसर एनालिसिस इज जनरलाइजेशन ऑफ वैक्टर एनालिसिस एंड एज कैन बी सोन बाई कंसिडरिंग अ फंक्शन. टेंसर एनालिसिस क्या है कि वो ऐसा पार्ट है स्टडी का, पहले बता रहा है कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और नेचुरल लॉज के लिए यूज़ होता है, और इसमें अलग अलग फ्रेम होते हैं जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं. मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही इस टाइम हम पढ़ेंगे. और ये जो
टेंसर है, ये ओरिजिनेट हुआ था जी डी के से, और ये पॉपुलर तब हुआ था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन इसे एक नेचुरल टूल के हिसाब से यूज़ किए थे अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मेनली होता है कि ये ओरिजिनेट हुआ था, मतलब इसको दिए थे जी रिकी इसका मतलब पता करे थे, और लेकिन ये यूज़ में कब आया था, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन यूज़ किए थे नेचुरल टूल के हिसाब से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। टेंसर एनालिसिस जो है वो जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर एनालिसिस कैसे है ये हम बताते हैं अब, ठीक है। तो एक वेक्टर फंक्शन हम कंसिडर कर ले रहे हैं एफ आर, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर आर, आर वेक्टर का है जो कि कंटिन्यूस है आर वेक्टर पे आर नॉट, आर वेक्टर जो है वो कंटिन्यूस है आर नॉट पे। तो फिर बता रहा है कि लिमिट अगर आर वेक्टर से आर नॉट है तो एफ आर नॉट हो जाएगा। देखिए r वेक्टर पे कंटिन्यू, r वेक्टर कंटिन्यूस है r नॉट पे, ठीक। तो जब लिमिट हम r से r नॉट ले ले रहे हैं तो इस r वेक्टर के जगह, मतलब कैसे होता है, इस r वेक्टर के जगह एफ आर नॉट लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर लीनियर है तो क्या होगा, एफ आर वेक्टर प्लस s वेक्टर, एक वेक्टर और ले लेते हैं s वेक्टर, तो हो जाएगा एफ ऑफ r वेक्टर प्लस एफ ऑफ s वेक्टर। अब अगर हम ये पूरा हटा करके r वेक्टर और s वेक्टर को लैम्डा r लिख ले रहे हैं तो ये हो सकता है कि नहीं, लैम्डा फंक्शन ऑफ r वेक्टर, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग टेंसर को समझने के लिए इनवेरियंस ऑफ फिजिकल लॉस पढ़ेंगे। तो सुनिए, हम टेंसर को समझने के लिए एक कंसिडर कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कंसिडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी बाद में, ठीक है, बाद में लगा दूंगी, अभी मैं ऐसे ही सिर्फ लिख दे रही हूँ, आप लोग सिर्फ समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स जो है ना समझने से आता है, लिखने से नहीं आता है। करंट बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब हम कंसिडर करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन करंट डेंसिटी वैक्टर जे एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर ई। करंट डेंसिटी को हम वैक्टर जे से, सॉरी करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये मुझे लगता है कि ट्वेल्थ में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग मतलब हम सब पढ़े हैं, ये मत सोचिएगा कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं। वेयर सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। फॉर सच मीडियम द कंडक्टिविटी सिग्मा इज स्केलर फॉर द एक्स कंपोनेंट। ये जो सिग्मा है ये स्केलर होगा एक्स कंपोनेंट के लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जे वन इज इक्वल्स टू सिग्मा ई वन, क्योंकि ये मीडियम है, इसको चेंज नहीं किया। अब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है, इन द वाई जेड डायरेक्शन एज वेल एज ऑन इन द फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एज्यूमिंग द लीनियर रिलेशनशिप। अगर हम लीनियर रिलेशनशिप लिखते हैं जिसमें करंट डेंसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है, मतलब हो सब भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एंड जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड पे वाई एंड जेड डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जे वन इज इक्वल्स टू सिग्मा वन वन ई वन प्लस सिग्मा वन टू ई टू, क्योंकि ये सिग्मा जो है ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, वाई और जेड दोनों पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है, सिग्मा वन थ्री ई थ्री पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जे वन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ के सिग्मा आई के, ठीक है, क्योंकि देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आई मैंने इसलिए लिखा है कि कहाँ तक जाएगा हमें भी नहीं पता, अगर हम और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, जीवन अगर हम बढ़ाना चाहेंगे, ये हम मंत्री क्यों लिखे, हम मंत्री तो बस लिख दिए हैं, मतलब उसको फाइनाइट कर दिए, लेकिन ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना, मतलब कितना भी जा सकता है।
तो इसके लिए हम लोग समेशन का यूज़ करते हैं। समेशन के ये एक्चुअली आइंस्टाइन समेशन आपको मैंने पढ़ाया, अभी बताया नहीं, वो बताऊंगी तब एकदम अच्छे से समझ में आएगा। सिग्मा के, क्योंकि देखिए ये सिग्मा जो है ये रिपीट कर रहा है, सिग्मा आई के, आई और के यहाँ लिखा है, देखिए एक सेकंड मैं कर ही देती हूँ एक्सप्लेन। के यहाँ लिखा है, के यहाँ लिखा है मतलब के जो है वो चेंज होगा, तो ये आई मान लीजिए, आई और के दोनों चेंज होगा, ठीक है। सिग्मा आई के ई के, अब क्या करते हैं सिग्मा आई के को हम लोग लिखते हैं सिग्मा वन वन, सिग्मा वन टू, सिग्मा वन थ्री, सिग्मा टू वन, सिग्मा टू टू, सिग्मा टू थ्री, ठीक है, और सिग्मा थ्री वन, सिग्मा थ्री टू, सिग्मा थ्री थ्री। और ये जनरल क्वांटिटी है सिग्मा आई के का, ठीक है। इसको अरे बोलते हैं ऑफ नाइन एलिमेंट्स, और इसी को टेंसर बोलते हैं, अरे ऑफ नाइन एलिमेंट्स, नाइन एलिमेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड टेंसर, ठीक है। अब मतलब मैंने बुक में बहुत अच्छे से मतलब डीपली वो पढ़ा, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि दो फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स है वो मस्ट पोजेस करता है सेम फॉर्म ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सारे कोऑर्डिनेट वो सेम फॉर्म पोजेस करता है, ठीक है। और ये जो एक स्टडी है ये एक्सेप्ट किया गया है, और इसी को बोलते हैं इनवेरिएंट फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल लॉज इन इज एम्बॉडीड इन टेंसर एनालिसिस, ठीक है। मतलब द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट पोजेस द सेम फॉर्म इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस स्टडी इज एक्सेप्टेड एंड दिस इज फैक्ट विच इज नोन एज इनवेरिएंट फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, इसके लिए सबसे पहले हमें नोटेशन पता होना चाहिए, तो हम पहले नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक में मैंने लिखा था नोटेशन, अब नोटेशन में एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, सब थोड़ा हल्का वर्ड लग रहा है ना, सब लग रहा होगा कि सब मतलब नीचे होता है, और सुपर सुपर मतलब बहुत सुपर डुपर, सुपर डुपर क्या मतलब, सुपर मतलब कि ऊपर होना चाहिए वो, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए आई जे, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि ये देखो ध्यान कैसे रखना है, ध्यान ऐसे रखना है सुपर डुपर जो सुपर लोग होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं, तो इसलिए आई ऊपर हो गया, और सब सब थोड़ा हल्का वर्ड लग रहा है, सब सब, तो ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ये हो गया नीचे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ए आई सब सुपर स्क्रिप्ट, और ए जे सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और आई और जे जो है उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ऊपर और नीचे सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है उसको एक सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे ए आई जे है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए सुपर आई ए सब जे, ठीक है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद हम नोटेशन में, एक और रूल है मेरे पास नहीं एक्चुअली बुक में ये रूल है, पावर्स जो हैं वो पैरेंथेसिस में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ए आई, तो पावर्स जो हैं वो पैरेंथेसिस में यूज़ होते हैं। देखिए जैसे ए आई, ए आई का इंटू करते हैं तो बहुत लोग बोल देंगे ए आई का स्क्वायर, अरे नहीं, ए आई का स्क्वायर अगर हम बोलते हैं मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ नहीं करते फिजिक्स में, लेकिन इसका यूज़ है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ए आई स्क्वायर लिख देंगे तो इसका मतलब सब लोग समझेंगे कि ए आई और आई, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें लिखना है ए आई का स्क्वायर, ठीक है, मान लीजिए ये तो फिर भी ठीक है। अब हम आते हैं ए आई जे, मतलब ए सुपर आई ए सब जे डॉट ए सुपर आई ए सब जे, अगर इसका करते हैं तो ये हो जाएगा ए आई जे का पैरेंथेसिस में स्क्वायर, ठीक है, ए जे आई के नहीं एल, ए जे एल आई के, मतलब ए सुपर जे एल सब आई के इंटू ए सुपर जे एल सब आई के, इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये आप लोग करके
कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। और इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। रूल्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, रूल्स से ही ये पूरा है। तब हम करते हैं उसको, एक सेकेंड। रूल वन क्या है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने कहा ना आपको मैं नोट्स बना करके आपको अभी नहीं, दो तीन दिन का टाइम लगेगा, इस टाइम नवरात्रि स्टार्ट हुई है, थोड़ी दिक्कत है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। तो रूल क्या है समेशन कन्वेंशन का, व्हेनेवर एन इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इज रिपीटेड इन अ गिवन टर्म, जैसे देखिए ए आई आई के रिपीट हो रहा है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों रिपीट हो रहा है, इन अ गिवन टर्म वी आर टू सम द इंडेक्स 1 to n। इसका रूल यही है कि अगर ये रिपीट हो रहा है तो हमें क्या करना है, इन दोनों इंडेक्स को, मतलब हमें सम करना है इंडेक्स को 1 to n तक। मतलब सम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, समेशन का, आई है क्योंकि आई रिपीट हो रहा है तो आई इज़ इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो इसमें हम ये रूल क्या है, ध्यान से सुनिए, व्हेनेवर इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इज रिपीटेड, रिपीट हो रहा है, इन अ गिवन टर्म, सेम टर्म में, वी आर टू सम ओवर द इंडेक्स, इन इसी इंडेक्स को हमें सम करना होगा 1 to n, ठीक है। अब देखिए हम सम करके आपको दिखाते हैं। अब s इज इक्वल्स टू, मान लीजिए दिया है सम कैसे करना है, x11, x22, x33, ... xnn, ठीक है, ऐसे सम करना है हमें। अब हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ए आई आई के, आई क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो समेशन आई इज इक्वल्स टू 1, 1 से कहाँ तक करना है, एन तक, तो ये हो जाएगा ए आई आई के। इसी तरह आप लोगों को लिखना है, पहले समेशन लगाएंगे फिर एज इट इज इसको लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, क्या लिखेंगे, ए 1 के प्लस ए 2 के प्लस ए 3 के ... ए एन एन के, ठीक है। आई होप का आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, फिर से देखिए, रिवाइंड करिए। तो अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ए आई आई, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहाँ तक जाना है, एन तक, ए 1 ऐड करना है, ए 2 ए 3 3, ये है समेशन का रूल। इसी तरह हमें समेशन को, इसी तरह यही है आइंस्टाइन समेशन रूल, और यही इसी से हमें सॉल्व करना है। अब रूल टू क्या है, ईच इंडेक्स कैन अपियर एट मोस्ट ट्वाइस इन एनी टर्म, समेशन रूल उसी पे लगेगा जिसमें ट्वाइस है। अब देखो जैसे इसमें 3 आ गया आई, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें समेशन रूल नहीं लगेगा। ये देखो, ये अगर आई जे नीचे है तो ये पॉसिबल है। अब ये देखो ए आई जे, इधर ये लिखा है और इधर लिख गया बी 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 डबल आई और जे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ डबल लिख दिया है, वो भी सुपर और सब में नहीं, सुपर में ही लिख दिया है दोनों, ठीक है। तो ये रूल टू है, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि अ रिपीटेड इंडेक्स कैन नॉट अपीयर 3 or more than 3 times इन एनी टर्म, 3 या 3 से ज़्यादा नहीं अपीयर होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करता है, ठीक है, 3 or more than 3, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को, ये ऐसा करती हूँ मैं, इसके बाद ये लिखने, मतलब ये करने के बाद मैं आपको रूल दे देती हूँ लिख के। रूल 3 क्या है, इन एनी इक्वेशन नंबर ऑफ फ्री इंडेक्स शुड बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, जैसे ए आई जे है, इसके इक्वल है बी आई जे जे, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है, फ्री इंडेक्स और डमी इंडेक्स, अरे इसका नंबर ऑफ जो है
फ्री इंडेक्स नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ्री इंडेक्स क्या होता है। नॉन रिपीटेड जो इंडिसेस होते हैं उसको बोलते हैं फ्री इंडिसेस। फ्री इंडेक्स क्या होता है? नॉन रिपीटेड इंडिसेस इज नोन एज फ्री इंडिसेस, ठीक है। और एक और टर्म है डमी इंडिसेस जो होता है वो रिपीटेड इंडिसेस होता है। डमी जो होता है वो रिपीटेड होता है, और फ्री नॉन रिपीटेड जो होता है वो होता है फ्री इंडेक्स। अब देखिए ए आई आई जे, तो रिपीटेड क्या है? आई है, मतलब डमी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और फ्री क्या है? जे है, तो ये जे हो जाएगा फ्री इंडिसेस, ठीक है। अब आते हैं रूल पे। तो इसका क्या है, नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस शुड बी सेम ऑन द बोथ साइड, ये भी रूल है आइंस्टाइन समेशन रूल में। तो अब देखिए ए आई इज इक्वल्स टू बी आई जे जे, इसमें डमी क्या है? डमी जे है, ठीक है। डमी जो है वो जे है और फ्री जो है वो आई है, लेकिन इसमें आई जो है वो सब सुपर में लिखा है, सुप में, और इसमें जो है सब में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आइंस्टाइन समेशन रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आई जो है वो सब में लिखा है, और इस साइड में आई जो है वो ऊपर के साइड लिखा है, मतलब सुपर में लिखा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो दिया हुआ है सब में, और राइट हैंड साइड में सुपर में दिया हुआ है, इसलिए आइंस्टाइन समेशन रूल को फॉलो नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे जे, तो फ्री सबसे पहले डमी क्या है? जे है, डमी जो है वो जे है, और फ्री क्या है? आई है। और इसमें देखिए राइट हैंड साइड में भी सुपर में दिया है और लेफ्ट हैंड साइड में भी सुपर में दिया है, इसका मतलब ये आइंस्टाइन समेशन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल, अ फ्री इंडेक्स कैन टेक एनी वैल्यू दैट अ डमी। नेक्स्ट रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि एक्चुअली वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मैंने आज जो टॉपिक्स लिए हैं मैक्सिमम कवर कर लिया है। एक सेकेंड, लेट मी शो यू। तो डेफिनेशन मैंने बता दिया है, नोटेशन भी आप लोग को बता दिया है, सुपर सब और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन सारा बता दिया, बस एक बचा है फ्री डमी इंडेक्स बता दिया है, रैंक ऑफ टेंसर बच गया है, और इनवेरिएंस ऑफ टेंसर मैंने बता दिया है, क्रॉनिकल डेल्टा बच गया है, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को कल बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।